प्लान के डे 38 में हमने देखा अर्ली मॉर्निंग एक ग्लास ल्यूक वार्म वाटर, ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए मूंग का मल्टीग्रेन पराठा, नॉन वेजिटेरियंस के लिए मल्टीग्रेन रोटी के साथ एग भुर्जी, मॉर्निंग मिड मील में कस्टर्ड एप्पल, लंच में वेजिटेरियंस के लिए भिंडी मसाला, दही, सैलेड और नाचनी रोटी, नॉन वेजिटेरियंस के लिए कोंकणी चिकन मसाला, नाचनी रोटी और सैलेड, इवनिंग मिड मील में एक ग्लास वीट ग्रास जूस विथ लाइम एंड जीरा, डिनर में वेजिटेरियंस के लिए मल्टीग्रेन स्प्राउट्स इडली के साथ सांभर, ग्रीन चटनी और दही, नॉन वेजिटेरियंस के लिए 3 एग ऑमलेट विथ सोया फिलिंग के साथ ग्रीन चटनी और सांभर। कल के एपिसोड में हमने पूछा था एक सवाल, और सवाल था क्या वाकई खाने की सुरक्षा करने वाला फ्रिज फूड न्यूट्रिएंट्स को नष्ट कर देता है। हेलो टू ऑल माय हेल्दी व्यूअर्स, वेलकम टू आपका अपना शो जिसका नाम है 100 डेज डाइट प्लान, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सेहल राय। और आज है हमारा डे 39। प्लीज चेक योर वेस्ट लाइन, आपकी इस ब्यूटीफुल फिगर को ना अपने तक मत रखिए, अभी आप एक काम कीजिए, स्टेटस अपडेट कीजिए, अपनी एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर डीपी पे रखिए। एंड यू नो व्हाट, ऐसे सीक्रेट्स शेयर करना फैशन में है, सच्ची में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं, और साथ ही साथ मेरे सारे व्यूअर्स मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं, हमारी टीम से बात करते हैं और हमें बताते हैं कि उन्हें भी कितने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? बिकॉज अगर आप लोगों के साथ में अभी भी ऐसा नहीं हुआ है, जस्ट वेट एंड वॉच। आप लोग अगर हमारा डाइट प्लान फॉलो करेंगे, शिद्दत से फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी ऐसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट्स मिलना झटपट शुरू हो जाएगा। डे 39 का डाइट प्लान करते हैं हम शुरू, और बुलाते हैं आज के हमारे न्यूट्रिशनिस्ट को जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है कॉर्पोरेट सेक्टर में उनके डाइट प्लान के लिए। सो आइए चलिए, विल कॉल कंचन जी। कंचन जी, हाय स्नेहल। कंचन जी, आज तो आपने एकदम बहुत तगड़ी कंपटीशन दे दी है मुझे, बाय गॉड, इतने खूबसूरत लग रहे हैं आप, क्या फ़ायदा हुआ मेरा इतना रेडी होने का। थैंक यू वेरी मच स्नेहल, पर एक बात बताऊँ, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, ये वाकई में कहीं ना कहीं असर है डाइट प्लान का, क्योंकि दिन ब दिन जब मुझे ये पता चलता है कि क्या डाइट प्लान होना चाहिए, मैं भी फॉलो कर रही हूँ, ब्यूटी तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मुझे ये फील होता है कि मुझ में एनर्जी, वाकई में जो एक एनर्जी लेवल है वो बढ़ चुका है। सो सीरियसली थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू सारे हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो हमें यहाँ आकर बताते हैं कि एग्जैक्टली डाइट प्लान होना क्या चाहिए। और ऐसा ही डाइट प्लान अगर आप भी अपने जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं, फॉर दैट यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, यू जस्ट हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर, ताकि हम लोग आपका एनर्जी लेवल बढ़ा सके, आपकी ब्यूटी लेवल बढ़ा सके। और हाँ, एक छोटी सी टिप है, ये चीज़ें अपने तक ना रखें, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम दूसरों को देते हैं ना, तो एक चीज़ तो हमें पक्का फ्री में मिलती है, वो है बेस्ट विशेस। तो बेस्ट विशेस अगर आप दोस्तों की, अपने नियर एंड डियर्स की लेना चाहते हैं, कॉल ऑन दिस नंबर, और अपने लिए और अपनों के लिए प्लीज़ ये वीडियो लीजिए, ताकि आपकी सेहत का हम ख्याल रख सकते। With this, now the time has come for the day 39 diet plan की शुरुआत। So देखते हैं कि हमारे breakfast में आज क्या है। कंचन जी बताइए। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हमें अपना detoxification करना है। गर्म पानी और नींबू, या तो फिर हम सौंफ का पानी बना के पी सकते हैं। तो वो actually green tea की तरह भी हो सकता है। तो उसमें हम सौंफ डालेंगे, एक जैसे हमने एक लीटर बना के रख दिया, और हम दिन भर भी हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक लीटर पानी लिया, उसमें 3 से 4 चम्मच सौंफ डाली, उसमें 2 से 3 चम्मच अजवाइन होती है, अजवाइन डाली, थोड़े से जिंजर के पीसेस डाले, और 1-2 लेमन ग्रास की लीफ डाल दी, और इसको अच्छे से उबाल के और इसको ठंडा करके आप पी सकते हो। सो ये एक्चुअली बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, लेमन ग्रास और जिंजर की वजह से उसमें एक बहुत अच्छी सी टेस्ट भी आती है, आपकी जो डाइजेशन कैपेसिटी है इसको भी इन्हांस करती है, और साथ में आपके टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट करती है, और हमारे टेस्ट बर्ड्स के लिए भी कुछ हटके हो जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करती है। सो विद दिस हमारी शुरुआत तो हो गई। हाँ, तो अभी ब्रेकफास्ट में क्या है? ब्रेकफास्ट में आज मैं एक टिपिकल साउथ इंडियन डिश आपको बनाना सिखा रही हूँ, और साथ में बता भी रही हूँ, अप्पे। अप्पे, हाँ, ये एक्चुअली एक बहुत ही सिंपल सी डिश है, और बनाने में बहुत फटाफट बन जाती है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, और बहुत ही न्यूट्रिशियस है क्योंकि ये फर्मेंटेड है। तो फर्मेंटेड में हमको, जब हम फर्मेंटेड कोई भी चीज़ करते हैं, तो उसमें फर्मेंटेशन की वजह से उसमें बी कॉम्प्लेक्स उसका बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ये इजीली डाइजेस्टेबल हो जाती है, और सुबह हमने अगर हम खाएंगे तो हमारा पेट तो भरता ही है, साथ में हमको प्रोटीन्स भी मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, और विटामिन्स भी मिल गए हमको, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पल्सेस हैं जो, जैसे चना दाल है,
तुअर दाल है, उड़द दाल है, इन तीनों दालों को इक्वल 1:1:1 रेशो ले लिया, और साथ में वन पोर्शन आप राइस भी ले सकते हैं, आप पारबॉइल्ड राइस यूज़ कर सकते हैं या आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं। इन सबको भिगो के रखा वन नाइट पहले से, और उसके बाद में उसको सोक करके उसको जब ग्राइंड कर लिया, और 3 से 4 घंटे भी अगर हम रखेंगे तो फर्मेंटेशन हो जाता है। और वो फर्मेंटेशन होने के बाद इसमें आपको जो मसाले चाहें आप वो डाल सकते हैं, ये सब डाल के, और एक अप्पे बनाने का एक तवा टाइप का आता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो ये मतलब रेडीमेड ऐसा रेडीमेड मिल जाता है। आप उस होल्स में नॉनस्टिक होता है, तो अगर आप नॉनस्टिक यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें तेल भी बहुत कम लगता है। सो जस्ट ड्रॉप ड्रॉप डाल के और उसमें सारे वो डाल के, तो वो दोनों साइड से आप उसको सेक के, ऐसे छोटे छोटे गोल बड़े खाने में क्यूट से लगते हैं। तो ब्रेकफास्ट में अभी आपने जो हमें अप्पे बताया, बहुत ब्यूटीफुली आपने बताया अभी, बट दैट इज फॉर वेजिटेरियंस। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए आज किस टाइप के अप्पे हैं? हम नॉन वेजिटेरियंस के लिए हम पोस्ड एग खा सकते हैं विद अ स्लाइस पोस्ड एग विद अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। सो ये था हमारा ब्रेकफास्ट वेजिटेरियंस के लिए और नॉन वेजिटेरियंस के लिए। अगर आपसे कोई चीज हमारी रेसिपी छूट जाती है, या कोई वीडियो में आपको लगता है कि आपको और डिटेल में जानना है कि ये बनाते कैसे है, या इसमें और कौन से इंग्रेडिएंट्स हम शामिल कर सकते हैं, हम है ना आपको सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ में अब बारी आती है हमारे एग्जैक्टली मिड मील सेक्शन की। तो आइए चलते हैं कंचन जी के पास दोबारा और देखते हैं कि मिड मील सेक्शन में क्या है। आज सिंपल एप्पल और ग्लास ऑफ सोया मिल्क। वाओ, सो सोया मिल्क सभी के लिए या जो लोग मिल्क ले सकते हैं उनके लिए मिल्क? और एक्चुअली सोयाबीन में इसलिए कह रही थी क्योंकि इसमें सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का काम करते हैं। लेडीज़, स्पेशली लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये जो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और जिसको मनाने में मदद करता है, उसकी वजह से आपको हार्ट डिसीज़ नहीं होती, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ये बहुत सारे इसके गुण हैं। इसमें सिर्फ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ही नहीं मिलते, ये सारे उसके हिडन बेनिफिट्स हैं सोया मिल्क के। तो इसलिए हमको ज़रूर उसको लेना चाहिए भी। हाँ, और जो डेयरी ले सकते हैं उनके लिए, तो बच्चों के लिए स्पेशली दूध लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। एंड नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर द बड़ी वाली पेट पूजा, यानी कि है लंच टाइम। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं आपकी होस्ट हूँ और दोस्त भी हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर जाने अनजाने में कोई भी मील अगर आप स्किप कर देते हैं, एक बार का चल जाएगा, लेकिन कभी भी लंच कभी भी स्किप ना करें। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ एक्चुअली, बिकॉज लंच आपको सेहत देता है, ताकत देता है। सो देखते हैं कि सेहत के लिए और ताकत के लिए इनके लंच बॉक्स में हमारे लिए क्या है। सो आज हम सोयाबीन और पीस की टिक्की दे रहे हैं। एक्चुअली वेजिटेरियंस लोगों के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, क्यों पता है? यही एक ऐसा पल्स है जिसमें हमको 45% प्रोटीन मिलता है, बाकी सब में सिर्फ 22-25% तक के ही प्रोटीन मिलता है बाकी पल्सेस में। तो इसमें लगभग हमको डबल मिल रहा है। That's amazing. तो सोयाबीन के लिए मैं तो ये कह सकती हूँ ना कि खुद तो सोता है लेकिन हमारी हेल्थ को जगा देता है। अरे वाह, वेरी गुड। तो आप एक बात बताइए, ये बात तो ही लंच वेजिटेरियंस की। हाँ। ये हमारा वेजिटेरियंस का लंच है। नॉन वेजिटेरियंस की हेल्थ को जगाने के लिए सोयाबीन जैसा नॉन वेज में ऐसा क्या है? चिकन, और चिकन के साथ में हम पीस के साथ में और बॉइल्ड पोटैटो ब्लेंड करके उसकी टिक्की बनाने वाले हैं हम, और उसके साथ में सारे लेट्यूस और सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हम सैंडविच में डालते हैं वो सब डाल के एक चिकन टिक्का सैंडविच हम बना सकते हैं, और साथ टिक्की सैंडविच चिकन टिक्की सैंडविच, और उसके साछ में हमको जरूर लेना है छाछ। वेजिटेरियंस को भी और नॉन वेजिटेरियंस को भी। इसमें हमको सारी चीज़ें मिल गई हैं, जैसे हमको ब्राउन ब्रेड से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए हैं, सोयाबीन और पीस से हमको प्रोटीन मिल गया है, और वेजिटेबल्स जितनी भी काकड़ी, टोमेटो, गाजर, सारा हमको फाइबर तो मिल ही गया, साथ में विटामिन्स भी मिल रहे हैं। तो एक साथ में अगर हम एक भी सैंडविच खाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हो जाता है, और कैलोरी वाइज इतना डेंस नहीं है ये। अगर आपकी भूख ज़्यादा है तो आप दो सैंडविचेस भी खा सकते हैं। तो इस वर्किंग टाइम में ये वॉकिंग लंच आपको कैसा लगा आपको हमें बताना है। बट इसी के साथ में हमारा लंच टाइम होता है ख़त्म, और लंच टाइम के बाद में शुरुआत होती है हमारी इवनिंग मिड मील सेक्शन की। और इवनिंग मिड मील ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे स्नेहल तो हर चीज़ को इंपॉर्टेंट कहती है, सांस लेना छोड़ दीजिए, चलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना? एग्जैक्टली वैसे ही खाना है, हर खाना, हर एक मिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आती है बारी हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन की जिसका नाम है इवनिंग मिड मील। तो चलिए देखते हैं कि आज कंचन जी हमें इवनिंग मिड मील में क्या खिलाने वाली है। आज इवनिंग मिड मील में फ्रूट कस्टर्ड।
सारे फ्रूट्स को हम काट सकते हैं और मिल्क में जो नॉन फैट मिल्क होता है उसमें कस्टर्ड घोल के थोड़ा उबाल के ठंडा करके फ्रिज में रख के ये सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती, थोड़ी बहुत शुगर हम कभी खा भी सकते हैं। तो फ्रूट्स में कोई स्पेशली आप फ्रूट बताना चाहेंगे? यस यस डेफिनेटली। अब इसमें ना एक्चुअली अगर हम पाइनएप्पल डाल दें तो वो कड़वा हो जाता है, साथ में चीकू डाल दें तो भी कड़वा हो जाता है, और संतरा हमको दूध के साथ जाता नहीं है तो क्या डालें? बाकी के बहुत सारे फ्रूट्स हैं स्नेहल, हम उसमें डाल सकते हैं बनाना, हम उसमें डाल सकते हैं एप्पल, हम उसमें डाल सकते हैं पोमोग्रेनेट, हम उसमें डाल सकते हैं मेलन, स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं। दैट्स नाइस। ये तो बहुत ही यमी हमारा एक इवनिंग मिड मील हो गया, जिसमें हमें पता चला कि फ्रूट सैलेड कितना यमी बन सकता है और साथ ही साथ कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें यमी टेस्ट नहीं दे सकते, तो प्लीज इसे ध्यान में रखिए। अब बारी आती है हमारे डिनर टाइम की, तो देखते हैं कि डिनर टाइम में कंचन जी हमको आज क्या देने वाली है। स्नेहल आज हम डिनर में, क्योंकि हमने दोपहर में थोड़ा सा हैवी खाया था, हैवी तो नहीं कह सकते लेकिन हम रात को भी आज थोड़ा लाइट ही खाएंगे। हाँ आज हम पालक खिचड़ी खा रहे हैं, वेजिटेरियन पपाया द सेलर मैन। तो एक्चुअली बहुत पावर पैक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं स्पिनच में, और साथ में एक ल्यूटीन भी होता है इसमें जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको आपकी आँखें ठीक रखनी है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रखना है, आपका डाइजेस्टिव गट ठीक रखना है, तो इसमें सारे गुण हैं, क्योंकि इसमें फाइबर आ गए और खिचड़ी तो दाल और चावल को कंबाइन करके हम बना ही लेते हैं, तो खिचड़ी ये हम वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए ठीक है ये। यू नो वॉट, आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मुझे उस सवाल का जवाब जानना है जो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से पूछा था। एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले अगर आज के दिन भर का डाइट प्लान में आपसे कुछ मिस हो गया है ना, चलिए ना एक झटपट रिकैप ले लेते हैं। 100 डेज डाइट प्लान के डे 39 में कंचन ने बताया अर्ली मॉर्निंग लेमन ल्यूकवार्म वाटर या लेमन ग्रास, अदरक, अजवाइन और सौंफ का बॉइल्ड वाटर। ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए अपने के साथ कोकोनट चटनी, नॉन वेजिटेरियंस के लिए पोस्ट एग्स विद ब्रेड, मॉर्निंग मिड मील पे एक एप्पल और एक ग्लास सोया मिल्क, लंच में वेजिटेरियंस के लिए सोया एंड पीस टिक्का सैंडविच विद बटर मिल्क, नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन टिक्का सैंडविच और बटर मिल्क, इवनिंग मिड मील में बनाना, एप्पल, पॉमग्रेनेट और स्ट्रॉबेरी फ्रूट कस्टर्ड, डिनर में वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए स्पिनच खिचड़ी। अब रहा जवाब डे 38 के सवाल का, क्या वाकई खाने की सुरक्षा करने वाला फ्रिज फूड न्यूट्रिएंट्स को नष्ट कर देता है? कई बार हमारे यहाँ पे हम लोगों के यहाँ कोई सपोज कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हमें हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं कम ना पड़ जाए। करेक्ट। हाँ। तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा हमारा एक सेफ साइड के लिए हम थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं, और लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं और नेक्स्ट डे हम यूज़ भी कर रहे हैं तो उसमें ये नुकसान है कि उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार रीहीट कर रहे हैं, और वैसे ही हम लोग जब कोई इस तरह की करी बनाते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें भुनी जाती हैं, काफ़ी चीज़ें इंडियन खाना यू नो टिपिकल काफ़ी पकाया जाता है, तो उसमें ऑलरेडी हाफ द न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो उसमें डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं हीट की वजह से। हाँ। अब हम उसको रख दिया, हमने रात भर फ्रिज में रख दिया और उसको फिर से हम बाहर निकाल के ठंडा तो खाएंगे नहीं, उसमें रीहीट करेंगे तो वो जो जितने भी विटामिन बाकी के बचे थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और साथ में आयुर्वेद ने भी कहा है कि अगर आप बासी खाना खाएंगे तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होंगे, आपको गैस बनेगी, बासी खाना कहीं नहीं खाना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। तो मेरे हिसाब से आप फूड थोड़ा बनाइए, उतना ही बनाइए जितना आज कंज्यूम हो जाए। यू नो व्हाट, वी ऑलवेज से एंड स्पेशली आई ऑलवेज से कि आई एम योर होस्ट एंड दोस्त, लेकिन यू नो व्हाट, आई रियली मीन इट, मैं वाकई में आपकी दोस्त हूँ। मैं आप लोगों से आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो वाकई में हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा डे 39 का सवाल। कैंसर एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, कहते हैं कैंसर जैसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को कड़ी चुनौती देने वाला है एक ऐसा पदार्थ जो हर किचन में पाया जाता है। क्या वाकई ऐसा कोई फूड आइटम है जो कैंसर से फाइट कर सकता है? सिंपल सवाल सिंपल जवाब, लकी विनर को मिलेगा सरप्राइज डाइट किट। अपना जवाब भेजें इस पते पर 100daysdietplan@gmail.com। हे गाइस, ये सीरियस क्वेश्चन है लेकिन लाइफ का मजा खत्म नहीं हुआ है, जस्ट चिल आउट मैन, एनर्जी लेवल कभी डाउन नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछा है ताकि आप लोगों में अवेयरनेस आए, एक वाकई में कहते हैं ना कि जानकारी बढ़े आप लोगों की, जनरल नॉलेज बढ़ाना हमेशा अच्छा होता है। दिस इज मी स्नेहल राय सेज बाय बाय, और
आपको क्या लगा इतना जल्दी बाय बाय हो जाएगा? एक मैसेज देना बाकी है आपको। वो मैसेज ये है कि अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और हमेशा सबकी मदद कीजिए, सबको खुश रखिए। टेक केयर।